The second phase selection of Karnataka. That's the in nation it's the third phase, but for us in Karnataka it's the second phase selection for 14 seats. That's the northern part of Karnataka. Majorly drought hit places are there. Now regarding this drought, Bharami, already Congress is claiming that we went to Supreme Court. Now central government is forced to give a rightful compensation. What's your opinion? देखिए सिद्धाराम ये है कि जब पुरानी सरकार थी और वहाँ ड्राउट था उस समय, मैंने खुद के ने उनकी पूरी टीम को यहाँ बुलाया था. एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने उस उनकी टर्म में इनको बुलाया था. बैठ करके मैंने कहा भाई पहले हम जल संचय की योजना हमारे बनानी चाहिए. अब जहाँ तक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सवाल है, हमारी सरकार ने पहले ही जो केंद्र का हिस्सा होता है वो उनके यहाँ बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है जी. हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, उसने भी प्रभावित क्षेत्रों में जो नियम है पद्धति हो जो हमने नहीं बनाई कई दशकों से है, उसके अनुसार वो टीम वहाँ गई है, जाकर के उसने सर्वे किया है. और हर बार ऐसा होता है, जैसे मेरे यहाँ गुजरात में भूकंप हुआ तो मैंने एक मेमोरेंडम भेजा, भारत सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हिसाब किताब लगाया. अब ये सारी प्रोसेस चल रही, आचार संहिता आ गई, तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई हमारे सामने ये विषय है, हम इसको जैसा ही आप परमिशन देंगे हम देना चाहते हैं. एनडीआरएफ के तहत अब राशि रिलीज भी कर चुके हैं उस नियम के अंतर्गत.